100 रुपए की कीमत, तुम क्या जानो संकेत बाबू, 100 रुपए एक सुहागन का मांग होता है। सुहागन का मांग? हाँ, मुझे कोई डायलॉग मिल नहीं रहा था ना, तो इसलिए मैंने ये बोल दिया। हो गया तुम्हारा बकवास। हाँ हाँ बोलो। तो बर्डीज, आप सबका हमारे YouTube चैनल हंग्री बर्ड्स में स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं लिविंग ऑन 100 रुपीज चैलेंज फॉर 24 आवर्स। मतलब पूरे 24 आवर में सिर्फ 100 रुपए मिलेंगे? तो इस चैलेंज में हर एक को मिलेगी सिर्फ 100 रुपए। okay. और पूरे दिन मतलब 24 घंटा उसको उसके ऊपर सर्वाइव करना है। जैसे खाना पीना या जो भी है, तुम्हें 100 रुपए। yes, और आज का चैलेंज हम करेंगे हस्बैंड एंड वाइफ। मालूम क्या पड़ा, तू तो टीम चेंज कर दिया। नहीं, टीम होगी बॉयज की और ये बोरिंग गर्ल्स की। yes. ठीक है, तो पैसे कहाँ? तुम्हारे पास है ना? हम तुझे दिए थे मैंने निकलते वक्त। मैंने अक्षरा को दिए थे। पैसे विपिन के पास है। विपिन? अरे पैसे दे, खा गया विपिन। कैसा छुपा के बैठे। एक दो तीन चार। संकेत तू 10 बार गिनेगा ना? 400 ही है। इंडिविजुअली 100 रुपए। तो हमारे पास है। तो अब मॉर्निंग हो चुकी है और भूख बहुत लगी है। हाँ। तो चलो चलते हैं ब्रेकफास्ट। अरे यार संकेत, यार कब से चल रहे हैं यार? एक काम करते ना, यहाँ बाजू में ही मैकडोनल्ड्स है, वहाँ जाके बर्गर खाते ना। मैकडोनल्ड्स का बर्गर ना 100 रुपए का आता है, वो पूरे दिन भर खाएगा क्या? हमें 100 रुपए दिन भर चलाने हैं। ओ, इसलिए तो चल के जा रहे हैं हम लोग। तो क्या खाए? हाँ, अपना इंडियन बर्गर होता है ना, वो वड़ा पाव। वड़ा पाव नहीं यार, वड़ा पाव खाके गैस होता है यार, कुछ और खाते है ना, डोसा वोसा कुछ खाते हैं यार। डोसा भी महंगा आता है, वो गैस होगा ना वड़ा पाव से, उससे बलून फुला लेना। गंदा गंदा वाला, चल ढूंढना है अभी। फाइनली गाइज, हमें बहुत ढूंढने के बाद एक वड़ा पाव का स्टॉल मिल गया। अभी पूछते हैं इनको कि वड़ा पाव कितने का है। चलो ये एक वड़ा पाव कितने का? 15 रुपया। 15 रुपए का? 15 रुपए का? अरे अभी तो 10 का था। अच्छा एक काम करोगे क्या, आप 20 रुपए का 2 वड़ा पाव दे दोगे? नहीं नहीं, परवड़ता नहीं। अरे दे दो ना प्लीज। नहीं पड़ दो यार। अरे यार 15 रुपए का तो एक 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 वड़ा पाव दोनों में शेयर कर लेते। नहीं नहीं, पाव ले। अच्छा पाव कितने का? 6 रुपए का। 6 रुपए का मतलब 15 रुपए का वड़ा पाव 21 रुपया। 21 नहीं यार। अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम करो ना, आप हमको सिर्फ 20 रुपए में एक पाव और एक वड़ा पाव दे दोगे? नहीं 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 पर। अरे एक रुपया से क्या आएगा? एक काम करो, मैं आपको नारियल वाले अच्छा ठीक है देता हूँ। अभी शेयर करना है गाइस, सबसे बड़ा टास्क ये है कि शेयर करना है। हमने 20 रुपए में ले लिया है, तो शेयर करते हैं अभी। अरे बड़ा देना मेरे को। क्या तू चटनी के साथ का? अरे तू बड़ा दे, तू चटनी के साथ का ना। हां, ये लिया बड़ा और ये डाली उसमें अमेजिंग सी चटनी। हां, और ये थोड़ा चटनी के साथ खाते हैं। बहुत टेस्टी है, एकदम मस्त है। वाओ संकेत यार, बड़ा तूने ज्यादा लिया था, देना मेरे को। दे बड़ा ज्यादा लिया क्या मैंने? एक सेकंड संकेत, मेरे को भूख लगी है। इधर ला, मुझे तेरे से ज्यादा भूख लगी है। खाना खा के तो हो गया। चलो हो गया, अब हमको देने हैं 20 रुपए, तो संकेत पैसे दे। ए तू दे। मैं क्यों देगा, वड़ा पाव किसने ज्यादा खाया था? तू दे, तू तेरा वाला दे। तू दे, मैं जा रहा। अरे क्या कर रहा है, मुझे ही देना पड़ेगा, वो भाग गया। ये लो गाइस, अभी सिर्फ मेरा 80 रुपए ही बचा है और लंच और डिनर भी करना है, देखते कैसे मैनेज होता है। तो बर्डीज, हमने शुरुआत की है नाश्ते से। yes, तो हम मॉर्निंग में खाने वाले थोड़ा साउथ इंडियन स्टाइल ब्रेकफास्ट, जो लाइट भी होगा और पॉकेट के लिए भी लाइट फ्रेंडली भी होगा। yes. तो चलो पूछते हैं हम लोग कितने का। तो भाई साहब, हमें ना मसाला डोसा और इडली इडली भी चाहिए। कितना होगा? 80 रुपीज का। 80 रुपीज? अरे अक्षिता, अगर नाश्ते में 80 रुपीज डाल देंगे तो पूरे दिन कैसे सरवाइव करेंगे भाई साहब? प्लीज प्लीज, 50 रुपए में। 50 रुपए में 80 रुपीज का सामान 50 रुपीज में नहीं हो सकता है मैम, आएगा आपको। अरे प्लीज दे दो ना भैया, प्लीज डोसा दे दो और दो इडली, दो इडली चाहे तो अपना कोई एक चटनी कम दे देना। हाँ, है ना, सांबर कम दे देना। अरे तो कुछ भी मत देना, सांबर नहीं, चटनी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस डोसा और दो इडली दे दो प्लीज प्लीज प्लीज। अरे
अरे बट इज ये तो मान ही नहीं रहे। अरे भाई साहब देखो हम ना रोज आपके यहाँ से लेके जाएंगे। हाँ, हम बॉयज को भी लेके आएंगे प्रीति, हम सबको फ्रेंडों को खिलाएंगे, सारे रिश्तेदारों को इधर लेके आएंगे। अभी दे सकता हूँ, फर्स्ट टाइम है आपको दे देता हूँ 50 रुपीस में, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं दे सकता हूँ। चलेगा। तो बड़ी ये मान चुके हैं कि 50 रुपए में वो हमें देंगे डोसा और दो इडली और थोड़ा सांबर और चटनी सादा। ठीक है, थैंक यू भैया। डिलीशियस लग रहा है। तो ये लो भाई साहब, ये आपके पैसे जो 100 रुपए हमें मिले थे, आपको मुझे 50 रुपीज वापस दे रहे। थैंक यू सो मच। तो हमें 50 रुपीज में ये सब कुछ मिला, सारा नाश्ता। थैंक यू सो मच, बहुत ही टेस्टी था मसाला डोसा और इडली, बहुत ही यम्मी था। थैंक यू, चलो मिलते हैं। पूरा पैसा मांगा। अरे यार संकेत, यार यार सुनना यार। क्या? हमने दूसरी बार भी एकदम कम वड़ा पाव खाया यार, मुझे बहुत जोर से भूख लगी यार, मुझे किधर अच्छी जगह बिठाना है। पैसा तो मेरा गया था। अरे तो पैसे मेरे पास भी है ना यार। अच्छा सुन, हमारे पास 180 रुपए है। हाँ, अभी कुछ 100 रुपए का खा लेते हैं और रात को देखिए कुछ 80 रुपए का कुछ खा लेंगे यार। 80 बचेगा ना रात में? हाँ तो बचेगा ना। ठीक है, 100 का देख लेते हैं। चल। अरे संकेत सुनना यार, यार शेजवान नूडल्स 170 रुपए कितना महंगा है यार। उमेश पर तुझे शेजवान नूडल्स से क्यों खाना है? दूसरा सस्ता देख। भूख लगी, उनको पूछते हैं। ये चिकन शेजवान नूडल है। हाँ। ये 170 का है। हाँ। थोड़ा कम कर दो ना, थोड़ा कम करके मिलेगा क्या? होता भाई, जो रेट है वही रेट में मिलेगा, उससे कम नहीं होता। अरे नहीं नहीं, मतलब 170 का है ना। हाँ। थोड़ा सा सिर्फ कम कर दो, एक 80 रुपए का कर दो, एक काम करो 80 रुपए का। 80 रुपए में परवड़ता भी नहीं है भाई, तुम 80 में क्या मांग रहे हो मेरे से? अरे भाई तो परवड़ता नहीं। अच्छा तो हम ना ये इसके साथ ना झाड़ू पोछा भी कर लेंगे, साफ सफाई कर देंगे, साफ सफाई कर देंगे, एकदम मस्त दिखेगा, झाड़ू भी एकदम मस्त, खटका भी एकदम मस्त। अब भाई साफ सफाई करा के लूंगा पूरा ठीक से, एकदम अगर नहीं देता। अरे साफ सफाई में हम दोनों ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे। नहीं नहीं जीते। मैं यार चुप ना, वो हां जीते थे। दे दो यार, तो खा ले। ठीक है चलो, अभी आप इतना रिक्वेस्ट कर दो, दे देता हूं मैं। हां नूडल्स, हां चिकन शेजवान नूडल्स आपका। नहीं नहीं सेम है, वो भी खा लेंगे। ओके ठीक है, भाई झाड़ू मारा लो ना इनसे, याद से। हां झाड़ू हां मारेंगे। तो बहुत भूख लगी है, कब आएगा ये? तूने बोल तो दिया वहां पर साफ सफाई करेंगे, तेरे को आता है क्या? पर अबे छोड़ना, नूडल्स खाएंगे और इधर से निकल जाएंगे ना। बंदो इसको मांगने पड़ेगा बस यहां पे। थैंक यू। ले नूडल्स खा। खाली है ना? चुपचाप से यहाँ से निकल, आवाज मत कर, चुपचाप लेंगे। मुंह पकड़ लिया? नहीं पकड़ लेगा, चलना तू, चल ट्राई करें। चल चल चुपचाप, थोड़ा मुंह चुप। ओ भाई, ओ किधर जा रहे हो? क्या हुआ? क्या आपका साफ सफाई बाकी है ना? साफ सफाई करने वाले थे वो, ये कर लेगा, मैं जाता हूँ। तुम दोनों हाँ। भाई इनको लो, कब से मैं लो इनको, ले साफ सफाई करा के लो इनसे, पूरा ठीक से करा के ले, छोड़ेंगे नहीं उम्मीद। तो बर्डीज हम ना यहाँ पे रास्ते पे चल रहे थे, तो हमें यहाँ पे एक जगह दिखी है आरके पोड़ी भाजी की केंद्र। तो हमने सुना है कि थाने में ना सबसे टेस्टी और सस्ता खाना इधर ही मिलता है। हाँ, तो हमारा लंच का इंतजाम तो हो जाएगा, ऐसे हमें लग रहा है। देखते आपका एक थाली कितने में है? थाली तो मेरा 90 रुपए का है। 90? अच्छा तो 100 रुपए एक झटके में चले जाएंगे। काका प्लीज प्लीज थोड़ा कम ही करूँ ना। कम करेगा तो आपको चलेगा, 70 में दे देगा मैं। 70? 50 में दे देते हैं। तो बड़ी ये रेडी हो गए हमें 50 में थाली देने के लिए। उसमें क्या क्या है ना? तो उसमें क्या क्या रहेगा? दाल राइस आएगा और एक भाजी आएगा।
एक बार प्लीज प्लीज दो रोटी दो रोटी में दे देता है चलेगा बहुत ही अच्छे तो ये मान गया कि 50 रुपए में हमें दो रोटी दाल सब्जी और सब्जी मिलने वाली तो हमारे काफी पैसे बच गए ना अक्षदा चलो खाना ना बहुत टेस्टी भी लग रहा है और हमें भूख भी बहुत ज्यादा लगी है तो बैठ के खाते हैं एक्चुअली बहुत ही टेस्टी है सस्ता और एकदम मस्त खाना था तो बस मेरा तो पेट भर गया खाना ना सच में बहुत अच्छा था थैंक यू सो मच वेलकम मैडम ये लो मेरे तरफ से आपको सिरप फ्री है वाह देखो कितने स्वीट है ओह माय गॉड और ये सिरप ना हम दोनों इसलिए मिल रहा है बॉयज रहते तो शायद हमें नहीं मिलता पाइनएप्पल सिरप बहुत ही टेस्टी है मतलब अच्छा है अक्षदा 50 रुपए में हमें पूरा खाना भी मिल गया ऊपर से डेजर्ट भी मिल गया पता नहीं बॉयज क्या कर रहे हैं ना अक्षदा तो 50 रुपए बचे हैं मेरे पास और 50 रुपए बचे हैं मेरे पास तो हमारे पास रात के खाने के लिए 100 रुपए सीधा रात का खाना मुझे तो चाय लगती है ना प्रीति अक्षदा तो हम ना कोई सस्ती वाली टपरी देखेंगे जहाँ पे 5-10 रुपए में चाय मिल जाती है हाँ चलेगी आज अदरक वाली नहीं मिली तो भी चलेगी ठीक है चल तो बड़ी हम आए हैं खाने की सबसे फेमस खाने वाली गली में यानी खाऊ गली में तो हमने क्या डिसाइड किया पता क्या हमने ये मोमोज देखे और यहाँ पे ये जो पनीर स्टीम मोमो है फुल प्लेट 50 का 50 रुपए की और इसमें पीसेस देखो कितने 8 पीसेस तो एक तो हम खाने वाले मोमोज और एक हम खाने वाले है पाव भाजी तो 50-50 100 और हमारा पूरा पैसा खत्म का बजट खत्म हो जाएगा तो एक संकेत क्या कर रहा है संकेत मोमोज ले रहा है तब तक मैं जा रहा हूँ पाव भाजी लेने को तो फाइनली मेरी पाव भाजी और संकेत का मोमोज पूरी तरीके से रेडी है मेरे तो मुंह में बहुत पानी आ रहा है एक्चुअली मेरे मुंह भी आ रहा है चलो हमने झाड़ू बर्तन किए साफ किए है बट हम अच्छा खाना खाएंगे नाइट को कैसा है बहुत टेस्टी है ये जो मसाला डाला है ना ये कुछ तो नया है तेरा कैसा है टेस्ट दिखा एकदम अच्छा है मस्त तो बर्डीज हम यहाँ पे आए बिरयानी सेंटर में तो यहाँ पे ना 70 रुपीज की वेज बिरयानी है 70 रुपीज की इसका मतलब 30 रुपीज हमारे बच्चे ओके तो हम अभी एक बिरयानी लेंगे तो हमारा डिनर बिरयानी खानी पड़ेगी पैसे बच रहे हैं ना हाँ, जीत जाएंगे हम ठीक है तो भैया एक वेज बिरयानी पार्सल कर दीजिए ना ये लो आपके पैसे गरम गरम है ना हमने 30 रुपीज बचा लिए मतलब हमने 200 रुपए पूरे खर्च भी नहीं किए बॉयज के कितने बचे रहेंगे पता नहीं चल जाके देखते ये क्या पाव भाजी था संकेत क्या मोमोज थे वाह वाह नूडल्स थे वाह वाह क्या वड़ा पाव था मजा आ गया आज
तो हमने ज्यादा वैरायटी खाई है। हमने ब्रेकफास्ट किया, अच्छा हमने भी किया, अच्छा लंच किया, हमने भी किया, अच्छा डिनर किया, हमने भी किया। डिनर के बाद डेजर्ट भी खा रहे हैं हम लोग। ये हमने नहीं खाया। डेजर्ट खाया मतलब तुम्हारे पैसे बच गए थे क्या उसमें से? डिनर करके भी यस, हमारे 30 रुपीस बच गए थे तो हमने आइसक्रीम ली। ओ संकेत, अरे देना थोड़ा, ये बच गया था उसका। तो अगर बडीज, अगर ये वीडियो पसंद आया होगा आपको तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, ज्यादा शेयर करो और चैनल में सब्सक्राइब और देना। हमने भी खाया ठीक है, वो मुझे शेयर करेगा ना तू? तो बडीज लाइक करके जाओ, चलो बाय बाय। देखा प्रीति जाके मिल बैठ के खाते।